हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि हम पेपर सिक्स पर बात कर रहे हैं, पेपर सिक्स में आज हम करेंगे फैसिलिटेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि हम करेंगे वाक और भाषा के संग्रह कुशलताओं को सिखाना, यानी कि वाक और भाषा के संग्रह कुशलता को कैसे सिखाया जा सकता है और कैसे सिखाया जाए या किस तरीके से हम वाक और भाषा के संग्रह कुशलताओं को सिखा सकते हैं या उनको बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, इस पे अगर हम देखें रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि संग्रह कौशल, यानी कि घृणात्मक कौशल का मतलब अगर हम घृण करना सीख जाएंगे तो घृणात्मक भाषा को भी सीख जाएंगे। घृण करने का मतलब आप समझते हैं सब लोग, अर्जन करना, घृण करना, अधिग्रहण करना या समझना। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही रहेगा, वाक और भाषा के संग्रह कौशल को सिखाना, यानी कि वाक और भाषा का संग्रह किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखा सकते हैं। दोस्तों, तो यही इस टॉपिक में कहा गया है कि वाक और भाषा के संग्रह कुशलताओं को सिखाना। कैसे सिखाएंगे दोस्तों संग्रह कुशलताओं को? जैसे कि दोस्तों, संग्रह वह भाषा है, यानी कि संग्रह जो स्किल है या लैंग्वेज है, वह भाषा है जो बोले हुए और लिखे हुए शब्दों को समझना और अर्थ को जोड़ते हुए ग्रहण करना संग्रह भाषा कहलाती है। यानी कि संग्रहण क्या है, अर्जन क्या है, ग्रहण करना क्या है दोस्तों? जो बोले हुए लिखे हुए शब्दों को समझना, समझने से मतलब है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, अर्जन करना, अधिग्रहण करना। ठीक है, यानी कि लिखे हुए और बोले हुए शब्दों को समझना, ठीक है, और उसके अर्थ को जोड़ते हुए ग्रहण करना संग्रह भाषा कहलाती है। यहां पर हम ऐसे भी कहते हैं संग्रह कौशल होते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, कह तो रहे हैं वो रिसेप्टिव स्किल्स, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, भाषा और वाक्य दोनों के संग्रह कौशल को सिखाना है, यानी कि कैसे सिखाया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं संग्रह वह भाषा है जो बोले हुए और लिखे हुए शब्दों को समझना और अर्थ को ग्रहण करते हुए, ठीक है, अर्थ को ग्रहण करना ही संग्रह भाषा कहलाती है। ठीक है, अब संग्रह भाषा को हम किस तरीके से किसी बच्चे को सिखा सकते हैं कि बच्चा अर्थ को ग्रहण करे, अर्जन करे, अधिग्रहण करे या समझे। ठीक है दोस्तों, क्या जबरदस्ती हम किसी को सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी कुछ निम्नलिखित क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम किसी बच्चे का रिसेप्टिव स्किल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि संग्रह भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं दोस्तों? कुछ निम्नलिखित बिंदु है, जैसे आंखों का समन्वय, न्यूनतम निर्देश देकर, भाषा का अनुकूलन करके, सरल निर्देशों के द्वारा, मौखिक गामक निर्देशों के द्वारा, पुनरावृत्ति क्रियाएं कराकर हम कर सकते हैं, दृढ़ सेट्स दिखा के भी करा सकते हैं, खेल के द्वारा भी करा सकते हैं, और अगर समृद्ध वातावरण अगर बच्चों के सामने पेश कर दिया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी अपने समृद्ध भाषा के परिवेश में रहकर संग्रह भाषा की कुशलता को सीख जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि क्या करना है। सबसे पहले हमें बच्चे के साथ क्या करना है, आंखों का समन्वय। अब आंखों का समन्वय मतलब एक दो व्यक्ति हैं, एक भाषा को सीखने वाला और एक भाषा को सिखाने वाला, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ट्रेनिंग, यानी कि जो प्रशिक्षण दे रहा है, जो एक ट्रेनिंग दे रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, जो ट्रेनीज है वो सीख रहा है, लेकिन जो टीचर है जो ट्रेनिंग दे रहा है दोस्तों, क्या है वह, मतलब कि छात्र और शिक्षक दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आंखों का समन्वय होना चाहिए, यानी कि आंखों का सामंजस्य होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। आई कांटेक्ट से क्या होगा दोस्तों, अगर बच्चा टीचर के सामने बैठा है, ठीक है, छात्र बैठा है शिक्षक के सामने, उससे क्या होगा कि अगर शिक्षक कुछ भी निर्देश दे रहा है, ठीक है, कुछ ऑर्डर कर रहा है, कुछ निर्देश दे रहा है, ठीक है, उसको क्या है, अगर बच्चा शिक्षक की तरफ देखेगा, आंखों का समन्वय या आंखों के सामंजस्य के द्वारा उसको समझेगा, तो उसको उस समझ का अर्थपूर्ण तरीके से उस समझ को क्या है ग्रहण करेगा। इसलिए आंखों का समन्वय होना जरूरी है, आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, और इससे क्या होगा, जब आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा, इससे क्या होगा, बच्चा किसी भी बात को या किसी भी निर्देश को अर्थपूर्ण तरीके से समझेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाएंगे,
सिखाएंगे दोस्तों आंखों का समन्वय, यानी कि बच्चे के साथ हम क्या करेंगे, आई कांटेक्ट करना सीखेंगे, सिखाएंगे बच्चे को, ताकि बच्चा क्या है आई कांटेक्ट करे और किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे देखकर। उसके बाद है दोस्तों न्यूनतम निर्देश। अब न्यूनतम मतलब छोटे छोटे निर्देश, या हम कह सकते हैं यहां पर छोटे 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 निर्देश। दोस्तों जैसे बच्चा है, अगर हम देख लें कि 4-5 साल का बच्चा है, या हम कह सकते हैं 6 साल का बच्चा, अगर हम उस बच्चे को स्पीच थेरेपी करा रहे हैं और उसको हम क्या रिसेप्टिव स्किल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चे के सामने अगर हम बहुत ज्यादा टिपिकल वर्ड यूज करेंगे तो क्या बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा। और अगर हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े उसको वाक्य बता रहे हैं कि आज आप 1 करोगे, आज हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या करेंगे, आज हमारी कक्षा में इस विषय का ये पाठ कराया जाएगा, नहीं हम सीधे बोलेंगे आज हम क्या है पेपर इंग्लिश से क्या 1 पोएम करेंगे छोटे छोटे। ठीक है दोस्तों, किसी भी वाक्य को छोटे छोटे भागों में उसको बताएंगे, छोटे छोटे भाग से निर्देश करेंगे, या जैसे कि हम बता सकते हैं आज खेलना है। ठीक है दोस्तों, आज खेलना है छोटा सा सरल सा वाक्य हो गया, यानी कि छोटा निर्देश हो गया, बच्चों आज खेलना है। अगर हम इसी को बहुत बड़ा बनाएंगे, बच्चों आज आज डेट ये है, आज की डेट पर इस टाइम पर इस टाइम टेबल पर आज हम बाहर जाएंगे, बाहर जाकर हम क्या करेंगे, हम सभी लोग एक साथ जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, हम खेलेंगे, इससे खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे, वैसा खेलेंगे, तो बहुत ज्यादा अगर हम बड़ा उसको सेंटेंस देंगे या बहुत ज्यादा बड़ा निर्देश देंगे, उसे क्या है एक तो बच्चा तुम्हारा जो सेंटेंस है उसको सुनेगा नहीं, सुनेगा तो समझेगा नहीं, जब समझेगा नहीं तो एक्सप्रेस भी नहीं करेगा। इसलिए क्या करेंगे, हम छोटे छोटे निर्देश देंगे बच्चे को। ठीक है, छोटा छोटा बोल, छोटे छोटे वाक्यों को बनाएंगे और बच्चे के सामने छोटे छोटे निर्देश देंगे, ताकि बच्चा ठीक प्रकार से आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। उसके बाद हम कराएंगे दोस्तों भाषा का अनुकूलन। भाषा का अनुकूलन से मतलब यहाँ पर दोनों लोगों की, एक तो छात्र की भाषा हो गई जो सीख रहा है, और यहाँ हो गई शिक्षक की, दोनों को अपनी भाषाओं में क्या करना है, अनुकूलन करना है। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी जो बच्चा है अपनी मातृभाषा के साथ आता है, उसकी मातृभाषा कुछ और है, शिक्षक की भाषा कुछ और है, तो शिक्षक को क्या करना होगा, बच्चे के अनुसार अपनी भाषा को अनुकूलित करना होगा। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या है शिक्षक की भाषा छात्र ठीक प्रकार से समझ सके। ठीक है दोस्तों, सुनकर समझ सके, पता चला कि शिक्षक है वो पूरा इंग्लिश बोल रहा है और जो छात्र है वो हिंदी में भी नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, दोनों को एक दूसरे के अनुसार क्या करना होगा, शिक्षक ही करेगा, ऐसा नहीं है छात्र करेगा, यहाँ पर शिक्षक ही करेगा। अगर बच्चा किसी और मातृभाषा से है तब क्या होगा दोस्तों कि शिक्षक अपनी भाषा को अनुकूलित करेगा, जिसमें क्या होगा दोस्तों भाषा के सरल वाक्यों का प्रयोग करेगा, सरल निर्देश होंगे उसमें, छोटे छोटे निर्देश होंगे, इस प्रकार भाषा को अनुकूलित करना पड़ेगा छात्र को, छात्र के लिए, कि किस प्रकार से कि बच्चा छोटे छोटे निर्देशों को समझ सके, उसकी भाषा को समझ सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे बच्चे के साथ सरल निर्देश। पहले हमने छोटे निर्देश लिए थे, फिर भाषा को अनुकूलित किया, उसके बाद हम करेंगे सरल निर्देश। सरल निर्देश से मतलब है हम बहुत ज्यादा उसके साथ कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं जैसे कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हम विश्लेषित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बहुत सरल भाषा का प्रयोग करेंगे जो उसके परिवेश से जुड़ी हो, यानी कि उसके वातावरण से जुड़ी हो और जो उसके दैनिक जीवन से सहसंबंधित हो। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार की भाषा का हम सरल भाषा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जैसे क्या हो छोटे छोटे शब्द और छोटी छोटी भाषाओं का, यानी कि छोटे छोटे निर्देशों का हम कह सकते हैं सरल भाषा, सरल निर्देश क्या होगा दोस्तों, आ जाओ। ठीक है, कितना छोटा सा हो गया, आ जाओ। अगर इसी को हम कहें आप कहां हो, चलो अंदर आइए, तो इससे क्या हुआ, एक तो बच्चा डर जाएगा, ऊपर से क्या हो जाएगा बच्चे को कि चलो आइए, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले तो बोल रहे हैं चलो फिर कह रहे हैं आइए, इसलिए हम बहुत ज्यादा सरल निर्देशों का प्रयोग करेंगे, आ जाओ या आ जाइए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा बोलते हैं अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा चलो करते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये
ऐसे जो हम स्वयं रूपिक शब्द बनाते हैं बच्चे अपने आप में, जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी हम अपने स्वयं रूपिक शब्द यानी कि खुद से ही अपने शब्द बना लेते हैं। कोई कार्य करते हैं, अरे भाई चलो खाना बनाना है, क्या खाना चलकर बनाना है, आपको खाना बनाना है। अरे चलो भाई आज बहुत जल्दी जाना है, या चलो भाई क्या करते हैं, चलो भाई खाना खाते हैं, तो चलकर खाना खाना है, नहीं खाना है। तो ऐसे क्या है, स्वयं रूपिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है बच्चे के साथ, सरल निर्देशों का प्रयोग करना है हमें, ठीक है, ताकि बच्चा क्या है आपके छोटे छोटे इंट्रेक्शन को, छोटे छोटे बहुत ज्यादा इजी इंट्रेक्शन को अच्छे से फॉलो कर सके और उसको ठीक से समझे। उसके बाद कराएंगे दोस्तों मौखिक गामक निर्देश। दोस्तों मौखिक गामक निर्देश से यहाँ क्या मतलब है आप समझ रहे हैं, मौखिक भी है, गामक है और निर्देश, यानी कि हम क्या करेंगे। अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, हम देख रहे हैं बच्चा बैठा था, ठीक है, और छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में केवल आई हैंड कोऑर्डिनेशन चल रहा था, यानी कि आई कॉन्टेक्ट चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बहुत छोटे छोटे निर्देश फॉलो करे उसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लैंग्वेज एडेप्टेशन हुआ, उसके बाद भाषा अनुकूलन हो गया, फिर क्या हो गया, सरल निर्देश हो गए, यानी कि इजी इंट्रक्शन हो गए। अब क्या होगा, मौखिक गामक निर्देश का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मतलब है दोस्तों शारीरिक क्रियाओं के साथ भाषा का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा कि मौखिक गामक निर्देश यानी कि शारीरिक क्रियाओं के साथ भाषा का प्रयोग, इस पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सरल निर्देश हम उसको देंगे कि जाओ बुक उठाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर ने उसको बोला है, जो बच्चा सुनेगा, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जाओ बुक उठाओ, बहुत सरल निर्देश हो गए। तो बच्चा इसमें क्या करेगा, एक तो आपका इंट्रक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है, आपके निर्देश को वो कर रहा है, तो क्या होगा, बच्चा उठकर जाएगा और अपनी बुक लेकर आएगा। तो उठकर जाना, खड़ा होना, चलना, किताब उठाना, क्या हो गया दोस्तों, ये सारी गामक क्रियाएं हो गई, ठीक है ना, गामक क्रियाएं हो गई। इसलिए मौखिक और गामक निर्देश जिसमें शारीरिक क्रियाओं के साथ भाषा का प्रयोग होगा, इसमें क्या हुआ, बच्चे ने क्या निर्देश को सुना, जो शिक्षक ने निर्देश दिया कि जाओ बुक उठाओ, वहां क्या हुआ कि बच्चे ने निर्देश को सुना और सुन करके वह अपने जगह से उठकर चलकर और हाथों से किताब उठाकर लाया, तो क्या वो वहां पर शारीरिक क्रियाएं हुई। इसलिए क्या है, भाषा के क्रिया, शारीरिक क्रियाओं के साथ भाषा का प्रयोग करना मौखिक गामक निर्देशन होता है। यहाँ पर हम बुक किताब उठवाएंगे, या हम कह सकते हैं जाओ व्हाइट बोर्ड साफ करो, या हम कह सकते हैं ए टू जेड लिख कर दिखाओ। यहाँ पर क्या होगा, एक तो बच्चा क्या करेगा, निर्देशों का पालन करेगा और उसको अर्थपूर्ण ग्रहण करते हुए उसे एक्सप्रेस भी करेगा, और उसके साथ साथ शारीरिक गामक क्रियाएं भी होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों पुनरावृत्ति क्रियाएं। अब पुनरावृत्ति क्रिया यानी कि रेपिटेटिव एक्टिविटी में क्या होगा दोस्तों, कि इसमें हम बच्चे के साथ वो सब करेंगे जो अब तक बच्चे ने नहीं कर पाया है, यानी कि इतनी सारी क्रियाएं हो गई बच्चे के साथ कि बच्चे ने आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी करना नहीं सीखा अब तक, ठीक है, इंट्रक्शन फॉलो भी नहीं कर रहा है, जबकि बहुत छोटे छोटे इंट्रक्शन दिए जा रहे हैं, भाषा का अनुकूलन करने के बाद भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, सरल निर्देशों का पालन भी नहीं कर पा रहा है, मौखिक गामक क्रियाओं को नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या कराएंगे हम, वे सभी क्रियाएं तब तक कराएंगे, याद रखना दोस्तों, ये टीचिंग टेक्निक में हमने कराया है पेपर थर्ड में यूनिट 3.3 में हमने कराया है कि सेपिंग क्या है, सेपिंग वह क्रिया है जिसमें किसी कार्य को तब तक सिखाया जाना जब तक बच्चा उस लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सके, ठीक है, या ना कर पाए, या बच्चा लक्ष्य प्राप्त ना कर सके। तो ये दोस्तों क्या, एक आकार यानी कि सेपिंग करना होता है, तो हम बच्चे को तब तक उस आकार को देंगे, तब तक वह कार्य कराएंगे जब तक बच्चा लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। तो सेपिंग करना पुनरावृत्ति क्रियाएं वही हो गई, हम उस कार्य को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि बच्चा सीख ना जाए, ठीक है। थोड़ा हम क्रियाओं को चेंज कर लेंगे, यहाँ पर सारी क्रियाएं बार बार किताब ही नहीं उठवाते रहेंगे ताकि बच्चा बोर हो जाए, कहेगा कि टीचर को क्या है, बस एक ही चीज उठा के रखनी होती है, किस दिन वो पहले लाके उठा के रख देगा और आपको इंट्रक्शन देने का जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा दृश्य एड दिखाना। अब यहाँ पर क्या है, आ गई हमारी सहायक शिक्षण सामग्री जो दो प्रकार की होती है,
तो क्या ऐसा है, शिक्षण सामग्री में हम क्या करेंगे, बच्चे को बैठाकर अगर हम ये सारा कार्य करा रहे हैं जिसमें छोटे छोटे निर्देश दे रहे हैं, भाषा का अनुकूलन कर रहे हैं, सरल निर्देशों का पालन कर रहे हैं, मौखिक सार्वजनिक क्रियाएं करा रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किन किन चीजों का यूज करेंगे बच्चे के लिए, कि बच्चा पहले देखेगा ना किसी चीज को, देखेगा नहीं तो टच करेगा, जरूरी नहीं है बच्चा बर्बल हो, तो क्या होगा अगर वो HI है, हेरिंग इम्पेयर्ड है, तो क्या इशारे करेगा, देख कर करेगा, अगर हम बोले बच्चा ब्लाइंड है तो कम से कम टेक्स्चर्स के द्वारा हमको बताएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे, चार्ट हो गया दोस्तों, दृश्य ही होना चाहिए या श्रव्य भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार का होना चाहिए, तो क्योंकि क्या होता है ना, जरूरी नहीं है बच्चा आपके पास किस कैटेगरी का, किस कंडीशन का है, ठीक है, या किस क्या कौन सी एबिलिटी है बच्चे के अंदर, तो क्या हर प्रकार का होना चाहिए, दृश्य श्रव्य दोनों, ऑडियो वीडियो दोनों ही होना चाहिए, जिसमें चार्ट का पेपर करेंगे हम, आईना यानी कि हम शीशा जिसे बोलते हैं, मिरर हो गया जिसे हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, चार्ट पेपर हो गए, चार्ट पेपर को देखकर हम क्या करेंगे, चार्ट की तरफ इंडिकेट करेंगे, बच्चा क्या करेगा उसको देखेगा, समझेगा कि ए फॉर एप्पल है, एप्पल क्या होता है, एप्पल रेड होता है, एप्पल हम खाते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें उससे ग्रैंड करेगा बच्चा, अर्जित करेगा, या फ्लैश कार्ड हो गए हमारे, फ्लैश कार्ड, टीवी हो गया, टीवी में क्या है हम देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है, देखते हो और सुनते हैं, समझते हैं क्या, टीवी के सामने आप बातें करते हो, नहीं करते हो ना, तो टीवी क्या हो गया, एक प्रकार से संग्रहक भाषा को बढ़ाने का या उसको ग्रहण करने का कौशल हो गया सिखाने का, क्योंकि टीवी के सामने हम क्या बहुत अच्छे से हमारे अंदर संग्रह कौशल विकसित हो सकता है, क्योंकि टीवी के सामने हम केवल टीवी को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो देखना सुनना समझना और पढ़ना ही संग्रह कौशल है, ठीक है दोस्तों, जिसमें टीवी हो गया, किताबें हो गई हमारी, समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर, ठीक है, और ऐसे कई हमारी मैगजीन आ जाएंगी यहाँ पर अगर हम कहें, या फिर हमारा सबसे ज्यादा अच्छा चीज हो गया मोबाइल, ठीक है, जो आजकल हर बच्चे के पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, तो कि ऐसा नहीं है कि किसी घर में मोबाइल नहीं है, हर जगह आपको मिल जाएगा, मोबाइल से अच्छा कोई साधन नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन अच्छी चीज के लिए कम समय के लिए यूज किया जाए तो मोबाइल सबसे अच्छा साधन है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बच्चे को दिखाकर भी क्या करा सकते हैं, उसके क्या है संग्रह कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं या संग्रह कौशल को विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मटेरियल यूज ऐसे करना है बच्चे की कैटेगरी के अनुसार। अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चा है ब्लाइंड और उसके सामने हम क्या दिखा रहे हैं, चार्ट पेपर दिखा रहे हैं, भाई क्यों दिखा रहे हैं, जब बच्चा देख ही नहीं सकता आप चार्ट पेपर क्यों दिखा रहे हो, तो हमें अपना जो सामग्री है यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको भी हमें बच्चे के अकॉर्डिंग ही कराना है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल, खेल बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल से मानसिक शारीरिक और संज्ञानात्मक तीनों कौशलों का विकास होता है, ठीक है दोस्तों, इनसे तीनों स्किल्स डेवलप होते हैं दोस्तों। खेल से क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर संग्रह भाषा की हम बात करें या इसमें रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव दोनों लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो खेल से ज्यादा अच्छा हम कहें कि कोई अवसर अगर बच्चे को दिया जाए, कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो इससे बेटर कोई नहीं है, क्योंकि खेल में क्या होता है दोस्तों, बातों के बातचीत के अवसर प्राप्त होते हैं। खेल के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे के साथ क्या है बहुत ज्यादा बातचीत करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम बच्चे के साथ बैट बॉल खेल रहे हैं। अब अगर बैल क्या होगा ना, अगर बच्चा अगर खेल रहा है तो सबसे पहले तो वह खेलेगा, सबसे पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ खेल रहा है। जब बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है, उसको हम किसी कार्य को उस समय अगर सिखाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है उस कार्य को। तो बच्चा खेल के टाइम एक तो क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसको ना किसी बात की टेंशन होती है, ना ये प्रेशर होता है कि मुझे पढ़ना है, ये करना है, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता है खेल के टाइम पर बच्चे पर। तो क्या होता है उस टाइम में हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे बॉल
उठाकर दो, तो वह बहुत आसान से बहुत अच्छे से आपको कंसंट्रेट के साथ आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, बच्चा भाग कर जाएगा और बॉल देगा। यानी कि उसने क्या करा यहाँ पर, मौखिक गामक निर्देशन का प्रयोग करा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये चीज खेल के द्वारा हो रही है। और यहाँ पर क्या है, सरल निर्देश, कितना सरल निर्देश था, जाओ बॉल उठाकर लाओ, सरल निर्देशों का भी प्रयोग किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहे हैं इधर आओ, इधर आओ, न्यूनतम यानी कि छोटे निर्देशों का भी पालन किया उसने। अब वो बॉल उठाकर लाकर सीधे अगर टीचर के हाथ में देता है तो वहां क्या होगा, आई एंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, यानी कि आंखों का समन्वय भी हो रहा है, आई कॉन्टेक्ट भी हो रहा है। तो खेल के द्वारा हमारे ये सारे ऑप्शन पूरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर मिल जाते हैं। अब आया दोस्तों समृद्ध वातावरण। समृद्ध वातावरण क्या है, समृद्ध वातावरण में हम ऐसा वातावरण बच्चे के साथ ऐसा वातावरण बनाएंगे, ऐसा परिवेश रखेंगे, ऐसा वातावरण बनाकर अनुकूलित करके देंगे जिसमें क्या है, बच्चे के भाषा सीखने के अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, अगर हम कहें समृद्ध वातावरण में क्या होगा, कहानी, कविताएं, समूह, ठीक है, खेल, नृत्य, संगीत, और हम बात करें नृत्य संगीत हो गया, और भाषा संसाधन, भाषा संसाधन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बहुभाषाएं, यानी कि बहुभाषाएं से भी क्या होगा, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। तो क्या है, समृद्ध वातावरण, ऐसा मॉल क्रिएट करेंगे हम जिससे बच्चा क्या हो, संग्रह कौशल की कुशलता को अच्छे से अच्छे सीख सके या कौशलों को विकसित कर सके। ठीक है दोस्तों, समृद्ध वातावरण क्या हो गया कि हम बच्चे को भाषा के द्वारा यानी कि भाषा के अनुरूप ही अपने वातावरण को क्रिएट करेंगे, अनुकूलित करेंगे जिसमें बच्चा ठीक से, क्योंकि कहानी अगर होगी तो भी बच्चा सुनेगा, बोलेगा, कविताएं हो रही है तब भी बच्चा आराम से सुन रहा है, पोएम चल रही है, समूह है, समूह में अगर बच्चा बैठा है जहाँ चार बच्चे बैठे हो या पांच बच्चे बैठे हो, क्या बच्चे चुप रह सकते हैं, नहीं रह सकते, यानी कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। खेल का टाइम है तब भी बच्चा सारी क्रियाओं को सीख रहा है, नृत्य चल रहा है तब भी बच्चा कुछ नहीं तो देख कर परसीव तो कर रहा है, कम से कम अटेंडिंग स्किल तो आ रही है उसके अंदर, संगीत है, भाषा संसाधन, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, बच्चे का संग्रह कौशल को विकसित किया जा रहा है। दोस्तों ये थे हमारे भाषा और वाक को संग्रह कौशल विकसित करने के, ठीक है, कुछ निर्देश थे इस प्रकार से। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।